रोड है। मजा आ गया आज तो। तो अगला पॉइंट है, डू नॉट अप्लाई एनी स्टिकर्स और प्रोटेक्टिव फिल्म्स ऑन योर हेडलैम्प और योर टेल लैम्प। अब आप अगर कोई लंबी राइड से आते हैं तो एक बार आप चेक करके देखिए आपका हेडलैम्प और टेल लैम्प कितना हीट होता है। आप एक बार उसको हाथ लगाकर चेक करके देखिए। और सोचिए कि ये जो हीट है ये डिसिपेट कैसे होती है। तो हीट डिसिपेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सबको पता होते हैं। के सो चार टाइप्स होते हैं हीट डिसिपेशन के, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और कंडक्शन। पहले तीन जो टाइप्स मैंने अभी आपको बताए उससे अगर हीट डिसिपेट होगी आपके हेडलैम्प्स के और टेल लैम्प्स के तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर आप इसके ऊपर कोई स्टिकर या प्रोटेक्टिव फिल्म लगाते हैं तो ये जो हीट डिसिपेशन है वो रेडिएशन या कन्वेक्शन या इवेपोरेशन की बजाय कंडक्शन पे आ जाएगी। और जो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट में जो चीज़ है, जो भी आपका स्टिकर या प्रोटेक्टिव फिल्म आपने लगाई है अपने हेडलैम्प पे या टेल लैम्प पे, उसको डायरेक्टली हीट पास ऑन होगी आपके लैम्प से। और इसकी वजह से क्या होगा, वो स्टिकर तो मेल्ट होगा ही, उसके साथ साथ आपके हेडलैम्प की और टेल लैम्प की जो लेंस है वो भी मेल्ट हो सकती है। इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। योर व्हीकल कैन ऑल्सो कैच फायर। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हेडलैम्प के ऊपर कोई स्टिकर या फिल्म लगा देते हैं जिससे हेडलैम्प का कुछ अलग व्यू दिखता है उनको, या कुछ पता नहीं अभी क्या करते रहते हैं, भाई क्यों करते हो ऐसा। तो कोई टेल लैम्प पे लगा देता है कोई अलग सा शेप बनाने के लिए, कि अब मतलब स्ट्रेट अप छपरी चीज़ें होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, राइडिंग विद एन ओवरहीटेड इंजन। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वीडियो था, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है आपको कि इंजन टेम्परेचर गेज जो है इसे कैसे रीड करना है। तो आप मेरा वो वीडियो जाकर देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका इंजन ओवरहीटेड कब होता है, कैसे होता है और आपको पता कैसे चलता है। इस कंडीशन में आप अगर राइड करेंगे तो आपका इंजन बहुत डैमेज हो सकता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप मेरा वो वीडियो जाकर देखिए और उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है जब इंजन आपका ओवरहीट होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इंजन किल स्विच है इसके ऊपर। इंजन किल स्विच या फिर स्टॉप स्विच, जो भी आप बोलें इससे, ये आपको, आप जब राइडिंग पोजीशन में हैं, आप जब अभी जैसे मैं राइड कर रहा हूँ ऐसी पोजीशन में अगर आप हैं, अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आपने इसे अगर एंगेज कर दिया तो आप इसका स्टार्टर मोटर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देंगे, वायरिंग हार्नेस भी इसकी डैमेज हो सकती है इसकी वजह से। और इससे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये भी डैमेज हो सकता है। प्रॉपर आपको स्टॉप लेने के बाद, अभी जैसे हम लोग रुक रहे हैं, प्रॉपर रुकने के बाद आप इसे एंगेज कीजिए और इसके बाद आप जब इसे स्टार्ट करेंगे तो बस ऐसे करना है और ये स्टार्ट हो जाएगी। लेस देन 5 सेकेंड्स के लिए आपको आपका स्टार्टर एंगेज करना है। अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपका स्टार्टर मोटर बिगड़ सकता है और आपकी वायरिंग हार्नेस जो है वो ओवरहीटिंग की वजह से मेल्ट हो सकती है, तो ऐसा मत कीजिए। यू जस्ट हैव टू पुश द स्टार्टर बटन फॉर अ सेकेंड एंड इट विल स्टार्ट। बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाती है, इसे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो
ज़्यादा देर के लिए इसे एंगेज करना बंद कर दीजिए अगर आप ऐसा करते होंगे तो, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है ओवरफिलिंग योर फ्यूल टैंक। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है बट ये बहुत डेडली हो सकता है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसे ध्यान देकर सुनिए। आप फ्यूल जो फिलअप करते हैं पेट्रोल आपके फ्यूल टैंक में, तो आपको अगर टैंक फुल कराना है तो आप कराइए, बेशक कराइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, बट इसे ओवरफिल मत कीजिए। ओवरफिल करना मतलब आप जो ब्रिम तक जो पेट्रोल डालते हैं इसके अंदर वैसा करना आप छोड़ दीजिए। अब पेट्रोल क्या होता है कि हीट से ये एक्सपांड हो सकता है और दो तरीके से ये एक्सपांड हो सकता है, बहुत ही कॉमन कंडीशन है। एक तो इंजन हीट की वजह से ये एक्सपांड हो सकता है, या फिर आप धूप में खड़ी कर देंगे आपकी बाइक या फिर स्कूटर तो उसमें भी ये एक्सपांड हो सकता है, एक्सपांड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर राइड करते वक्त ये स्पिल हो गया आपके फ्यूल टैंक से बाहर, ये निकल गया, तो इंजन में आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके बर्गमैन में कब आग लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और ये बहुत बहुत सीरियस कंडीशन होती है, तो इसे आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। फ्यूल टैंक का जो नेक होता है, नेक आपको पता चल ही जाएगा, इतना इतना जो फ्यूल टैंक ऊपर होता है उसके नीचे आता है नेक, तो वो नेक तक आप फिलअप कीजिए। मैं तो बोलता हूँ नेक के थोड़ा सा नीचे कराएंगे तो भी चलेगा। और पेट्रोल को एक्सपांड होने के लिए आप जगह जितनी छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, अवॉइड राइडिंग विथ लो इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने इसे आइडल पोजीशन में स्टार्ट किया हुआ है, इंजन टेम्परेचर आप देख रहे हैं, सुबह सुबह स्टार्ट किया है मैंने इसको, तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर इंजन ज़्यादा हीटेड नहीं चाहिए जब आप इंजन ऑयल चेक करेंगे, तो इसलिए मैं जब राइड कर रहा था तब मैंने इसे चेक नहीं किया। और इसे 3 मिनट के लिए आपको ऑन रखना है, ऐसे ही ऑन पोजीशन पे है। ओके, सो आप देख रहे हैं 3 मिनट हो चुके हैं अभी, और अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अभी इसे ऐसे ही 3 मिनट के लिए छोड़ना है बंद करने के बाद। ओके, सो अभी 3 मिनट हो चुके हैं और आपको राइट साइड से आना है बर्गमैन के। राइट साइड में ये आपको एक नॉब दिखेगा, ये वाला, ये आपको ओपन करके देखना है, ये इंजन ऑयल का नॉब है। इसे ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और अभी ये थोड़ा लोअर साइड में है क्योंकि मेरी लास्ट फ्री सर्विस ड्यू है, तो अभी इसे मैं टॉप अप कराने ले जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो ये थोड़ा लोअर साइड पर है अभी, तो ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो नीचे के साइड में आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, वो हमारा इंजन ऑयल है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें अभी ऑयल है, थोड़ा लोअर एंड पर है पर है इंजन ऑयल इसमें। और अभी जब सर्विसिंग होगी मेरी तो उसमें ये टॉप अप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। इंजन ऑयल चेक करने के लिए ये जो निचला पोर्शन है आपका, जो रगेड पोर्शन दिख रहा है, स्क्रैचेस जिस पे आपको दिख रहे हैं, वो आपका इंडिकेटर है इंजन ऑयल का। इसके अंदर अगर रहा
दिखाई दिया आपको ऑयल तो ठीक है, और अगर लोअर साइड में दिखा तो आपको इंजन ऑयल टॉप अप कराना। पहले तो इंजन ऑयल चेंज करना है आपको, तो आइडियली 2500 किलोमीटर्स आपके जब भी कंप्लीट होते हैं तो आपको आइडियली 2500 किलोमीटर्स पर इंजन ऑयल चेंज कराना है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली हायर स्पीड्स पर चलाते हैं, बहुत लॉन्ग राइड्स होती है आपकी और आप फ्रीक्वेंटली हायर स्पीड्स पर चलाते हैं तो 2000 के अंदर ही आप इंजन ऑयल को चेंज कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपको पता चल चुका होगा अभी कि इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं वो बहुत ही सोच समझ कर मैंने बताए हैं इसके अंदर, और बहुत टाइम लगा है मुझे ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।